कल्पा भारत के उत्तरी भाग हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। हिंदू धर्म में एक कल्प 4.32 अरब वर्षों के बराबर है, जिसे ब्रह्मा जी का एक दिन भी कहा जा सकता है। कल्पा समुद्र तल से 9,711 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शिमला से इसकी दूरी 265 किलोमीटर की है, जिसमें आप नारकंडा या रामपुर जैसी जगह पर रुककर कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं। यह बर्फ से ढकी किन्नौर कैलाश पर्वतमाला के आधार पर स्थित है। बादल अगर साफ हो तो किन्नर कैलाश के यहाँ से साफ दर्शन होते हैं। कल्पा की छोटी सी जानकारी के साथ अब आपको अपने आगे के सफर के साथ जोड़ते हैं, जो कि बहुत सारे चैलेंजेस के साथ भरा हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे के सफर पे। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कल्पा। सो दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। सुबह ये जब मैंने ड्रोन शॉट लिया था ना, तो ये माउंटेन पीक्स ऐसे नहीं दिखाई दे रहे थे स्नो के साथ। अब क्या बहुत ही क्लासी आ रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो किन्नर कैलाश, ये देखो दिख रहा है ये बीचों बीच जो है किन्नर कैलाश है। वाओ, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। सो फिलहाल हम लोग हैं, सुबह नहीं दिख रहा था, सुबह तो बादल से थे और मुझे पता भी नहीं था ना। सो गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम कल्पा। वी गाइज हैव रीच्ड कल्पा फाइनली। रात को हम लोग रिकॉम्पियो सोच रहे थे कि रिकॉम्पियो में स्टे करेंगे, बट रिकॉम्पियो में हमें कुछ होटल्स जो थे वो ठीक ठाक लगे नहीं, तो इसलिए हम लोग इधर आए। किन्नर विला है ये, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज यू गाइस कैन सी और इन टू द ड्रोन शॉट्स एज वेल। सामने ही हमारी सेब एप्पल्स लगे हुए हैं भाई साहब। ओए ओए ओए, क्या लाल लाल ये पूरे के पूरे भाई, देखो हर जगह सराउंडेड बाय एप्पल्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन सनफ्लावर, अमेजिंग ना। और ये पता नहीं भाई क्या सूख रहे हैं, बट गाइस दिस इज किन्नर विला एंड आई वुड से आई मीन दिस इज वन ऑफ द गुड प्रॉपर्टीज ओवर हियर। सो आप लोग आओ और इन्जॉय करो भाई। रेट्स भी रिजनेबल लगे, यहाँ की सर्विसेज भी ऑसम है, और ड्रोन शॉट्स मैंने आपको दिखाई दिए भाई। But look at this view, man. I mean, I just really don't have any words for this wonderful view. Guys, ये देखो इतने नज़दीक से मैंने कभी सेब का पेड़ नहीं देखा भाई, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। और ये देखो सामने, गाइज आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। लोकार्ट बोलते हैं शायद इनको, लोकार्ट। नहीं, ये छोटे आड़ू बड़े वाले हो गए, लोकार्ट है ये शायद। हाँ, अब एकदम से माइंड क्लिक करा, बट आप लोग कंफर्म करना गाइस, किसी को कंफर्म हो क्या है ये जरूर कमेंट करके बताना भाई। और ये पूरा का पूरा इनका बागीचा भाई, सामने भी है ट्रीज जो है सेब की। और ये रहे गाइज ये ट्री देखो भाई सामने, क्या ही ब्यूटीफुल ट्री है यार, अमेजिंग। किन्नर कैलाश जो है इधर की साइड बादलों में छुप चुका है इस टाइम पे, जय भोलेनाथ। इधर बर्फ वाले पहाड़ जो है वो भी छुप चुके हैं भाई।
नारायण नागनी टेम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, रास्ता उधर से है थोड़ा। और फिलहाल हम लोग कल्पा विलेज में है, ये रहा अंदर से नारायण नागनी टेम्पल, अभी बंद है। सो गाइस अभी मंदिर बंद है, 7 बजे के आसपास खुलेगा, तो ट्राई करते हैं इवनिंग में विजिट करते हैं विष्णु भगवान जी के दर्शनों के लिए। नारायण नागनी सुबह आगे काजा जाने से पहले सारी सारी बाइक्स की जितनी भी जो जो दिक्कतें आ रही है भाई सब चेक करवा रहे हैं। चीना के इसमें कुछ एक इश्यूज है ब्रेक पैड्स के, तो ब्रेक पैड चेंज कराए गए अपने को, टॉप रैक अनइंस्टॉल करा के फिर वेल्डिंग करानी है। और ये जो यहाँ से ये देखो भाई ये फट गया भाई यहाँ से इसका पाइप ना, तो ये वेल्ड होके ना पूरी एक पत्ती यहाँ से लग के ये सपोर्ट में आ जाएगी, तो अच्छे से दोनों तरफ हो जाएगा फिर ये। और अमित की बाइक का भी काम है भाई, तो ये तीनों बाइक्स एकदम टंच करा के फिर चलेंगे हम आगे की तरफ। फिलहाल अभी बाइक्स का काम है भाई अच्छा खासा, किसी की बाइक्स में दिक्कत आ रही हो लक्की बाइक पॉइंट, ये इधर सिग्नल है, एंट्री करते ना तो सिग्नल आता है रेड लाइट, तो रेड लाइट से सीधा क्रॉस करने के बाद यहाँ पे चलेंगे आप 400-500 मीटर चलेंगे ना, तो ये आपको लेफ्ट साइड राइट साइड पे सॉरी ये आपको मिल जाएगा लक्की बाइक पॉइंट। देखो गाइस टॉप रैक का काम चल रहा है, दोनों जगह पट्टियाँ लग जाएंगी इसमें ना, तो होपफुली अभी थोड़ा स्टेबल रहे, देखते भैया तो कह रहे कि मजबूती आ जाएगी। देखो भाई अपने टॉप रैक का ही काम चल रहा है। सो गाइस ये भैया हैं और ये भैया, दोनों ने मिलके मतलब अच्छे से वेल्ड किया है अभी टॉप रैक को, ये करा लिया है। बाकी इन दोनों की भाई मैं भैया से मजाक कर रहा था अभी कि दोनों की शक्लें बहुत मिलती है गाइस, अगर जो आप लोगों को कैसा लगेगा आप कमेंट करके जरूर बताना। तो भैया हाय बोल दो सारे व्यूअर्स को, हेलो थैंक यू। और ये मैंने पहले ही बता दिया था इनकी SR वेल्डिंग वर्क्स है यहाँ पर रिकॉम्पियो पे। चलिए गाइस चलते हैं टॉप रैक को लगवाते हैं, फिर अब इंस्टॉल करवाते हैं बाइक पे। थैंक यू भैया, थैंक यू। टॉप रैक जो है वो इंस्टॉल हो चुका है फाइनली वेल्डिंग के बाद, बट रिजल्ट जो है अब टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसकी, कितना वेट जो है स्प्लिट करना पड़ेगा बैग्स में, साइडल बैग्स में और इसमें टॉप बॉक्स में, तो कम वेट रखना पड़ेगा इस पर, देखते हैं कैसा रहता है भाई। 11 मिनट्स 3.2 किलोमीटर्स, चलते रहो सीधा सीधा बिल्कुल इसी रोड को पकड़े हुए, सीधा पहुँचो सुसाइड पॉइंट। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट पे। रिश्तेदार घबरा जाएंगे, लौंडा कहाँ करने जा रहे हैं सुसाइड करने, क्या बात हो रही है यहाँ भाई, कैसे रुक गए। दीवार में घुसने को तैयार है भाई। और टैंक हो चुका है आधा भाई अपना, अब यहाँ से निकलने से पहले फ्यूल अप करवाएंगे जब कल निकलेंगे यहाँ से। तारे कैसे जा रही है ना उसके साथ, जो साइड में रेलिंग है इसके साथ तारे लगा रखी है भाई, खंबों का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म, फ्लोटिंग क्लाउड्स क्यों ही वैल्यू भाई, क्यों खाई है बिल्कुल लेफ्ट साइड में। दिल बाहर आ जा रहा है भाई नीचे लेफ्ट साइड में देखते हुए, हाँ डर गया मैं वो देख, सीरियसली मैं भाई बहुत गहरा यार ये तो, OMG गाइस देख रहे हैं ये देखो, ओ भाई गजब है यार। अरे ये क्या क्या है भाई, ये यही है क्या सुसाइड पॉइंट, रोला क्लिफ किन्नौर, आई लव क्या काट दिया क्या ना, आई लव ये है गाइस सुसाइड पॉइंट।
लो गाइस पहुंच गए हम लोग सुसाइड पॉइंट एंड दिस इज चौधरी अमित, दिस इज चौधरी ललित एंड दिस इज चौधरी चीमा। कैसा लगा मेरा मजाक? काली जान चाहे देनी पड़े। भाई साहब सही सेट बैठ गया ये वाला गाना। अमित के जो पोस्चर हुआ था अभी, उड़ता ही फिरूं हवाओं में यहीं या मैं झूल जाऊं। दैट वाज टू क्लोज। चलो जी चलो, पत्थर होगा भाई, चीरा बच गया। टेक अ यू टर्न, अल्फा टू चार्ली, चार्ली टू अल्फा। मुड़नी नहीं ऊंचाई पे। हो गया हो गया, ज्यादा नहीं करना। उछली भाई मिटियोर, थोड़ा सा ना आगे आगे की तरफ पुश करके रखो ताकि वो रहे एकदम से गड्ढा वड्ढा है ना उछले ना। भाई सब क्या चढ़ाई है ये ऑफ रोड की, 10,000 फीट की ऊंचाई पे है गाइस हम लोग, अनबिलीवेबल। और यहीं पे मेरी बाइक के 5,550 किलोमीटर पूरे हो गए। ये बट क्या ही टफ टेरेन है भाई। वाओ वाओ, स्टॉप्ड स्टॉप्ड। जा रही है जा रही है। भाई साहब मिट्टी और जबरदस्त पावर। ओ भाई आ जाओ इस पॉइंट पे, आओ फिर इस पॉइंट पे आके डिसाइड करना अब कि चलना है कि नहीं चलना ऊपर। भाई साहब आओ आओ पहले, फिर डिसाइड करते हैं। जो चरवाहे हैं ना वो रुक के देख रहे हैं भाई। अब ये देखो चलना है कि नहीं चलना है सामने, ये चीना आर यू ऑल सेट? देख के देख के ब्रेक्स पे काबू, ब्रेक्स पे काबू क्योंकि स्लिपरी है। ठीक है सही आ गया, आ तो स्मूथ गया भाई तू ना। आ रही है जब ऊपर चला गया था ना, जब नहीं आ रही थी। चीना होके आ चुका है ऊपर, आप लोगों ने वीडियो देखी ली होगी भाई, ऊपर जाते वक्त की भी आते वक्त की। ऊपर जाते वक्त काफ़ी टफ था भाई क्योंकि स्लिप होता हुआ गए और मुझे एक दो बार को लगा कि हाँ ड्रैग होता हुआ गया भाई वो, बट नीचे आते वक्त स्मूथ था। लुक एट दिस ट्री गाइस, अमेजिंग है ना। ओ भाई चक्कर आ रहे हैं मुझे इसे देखते हुए, पहले इसे देखो और फिर नीचे देखो। ओ भाई गजब है यार, गजब का ही व्यू है। 97% SPO2 which is good at 10,780 feet। 19,024 feet है भाई। ओमलिंगला कितना है? हाईएस्ट मोटर पे देखो। ओमलिंगला कितना? 19,024 feet। उसकी आधी हाइट पे तो हमें अभी। हाँ उसकी आधी हाइट पे है भाई। सामने भाई क्लियर ग्लास है तो दिख नहीं रहा है बादलों की वजह से। सुबह दर्शन दिए थे हम मेरे को। हाँ ये हम बहुत लकी रहे हैं भाई, दोनों के दोनों किन्नर के लाश के दर्शन हो गए हमें। और उसके बाद से बादल हटे ही नहीं है भाई, तब से नहीं हटे। और इसके सारे बर्फ वाले पहाड़ हैं सारे। बट बहुत ही अमेजिंग व्यू है यार, वाओ सिंपली वाओ है।
और नीचे ये कल्पा। लुक एट दिस व्यू फ्रॉम हियर, 10,780 फीट फ्रॉम द सी लेवल। एंड ये सर है, इनकी प्रॉपर्टी है भाई, ऊपर ये जा रहे हैं। एंड सड़क स्लाइड हो चुकी है ऊपर, चीना ऊपर देख के आ चुका है ना भाई, ऊपर गारा हो रही है बहुत ज्यादा, गारा हुआ पड़ा है और स्लाइड। मैं ट्राई नहीं करना चाह रहा था इसलिए, क्योंकि चीना बहुत रिस्क लेके गया है, ये करता रहता है ना भाई ऊपर, इसे आदत है। तो नीचे भाई देख ही रहो, एडवेंचर तो यही है। नीचे की खाई देखो भाई, लुक एट दिस व्यू, सो दिस इज अमेजिंग नो डाउट। यार मुझे बॉडी ना थोड़ी वो करनी है, रिलैक्स अभी, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं।